बैक टू द चैनल रूलिंग बीस्ट। रूलिंग बीस्ट में आप लोग का स्वागत है। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद वापस निकले हैं एक रोड ट्रिप पे दार्जिलिंग के। काफ़ी सडन प्लान था, इस बार तीन बाइक्स मिलेंगे आपको ट्रिप में, पिछली बार की तरह नेपाल राइड में। अविनाश की एडवेंचर, शशि की ड्यूक और मेरी वाली ड्यूक। टाइम हो रहा है लगभग 12 बजे, हम निकल रहे हैं सेंट कैरेंस गोल रोड से और एक्सपेक्टेड टाइम प्रॉब्ली अराउंड 12 घंटे का है दार्जिलिंग पहुंचने का। लेट्स सी कितने ब्रेक्स लगते हैं, कब तक हम पहुंच पाते हैं। 200 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है। गाड़ी दिखा रही है 198, मोस्ट अप्रॉक्स 200 किलोमीटर, 31.5 का एवरेज है, विच इज़ वेरी गुड। हम रुके हैं दरभंगा के आउटर में। अभी एक हल्का सा पावर नैप ले लेते हैं आधे घंटे का और उसके बाद बाकी की जर्नी कवर करेंगे। यहाँ पे शाम में बारात थी आज इनकी, कोई लोग बाहर लगते हैं। मोटो ब्लॉगिंग अभी पॉसिबल नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली जब सनराइज़ हो जाएगा जो 5:30-6 बजे के आसपास, तब जाके मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा, तब फिर आपको रोड का व्यू दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, चलिए मिलते हैं आगे। ए भाई, ए भाई ये तो सो गया भाई, ये भाई भाई एक घंटा हो गया ब्रो, 6 बज गए यार। बहुत दिनों के बाद मोटो व्लॉगिंग वापस शूट करने का मौका मिला है हमें। हम जा रहे हैं दार्जिलिंग के ट्रिप पे, तीन बाइक, वही नेपाल राइड वाले राइडर्स। रात के 12 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था राइड अपनी, और जिसमें हमने 3 स्टॉप्स लिए लगभग, हल्के से पावर नैप लेने के बाद लगभग मॉर्निंग सुबह 6:15 पे हमने टैंक वापस रिफिल करवाया और 300 किलोमीटर के आसपास का रेंज मिला हमें। ये देखिए सनराइज़ व्यू, देखिए कितना तगड़ा है। देखिए पूरा का पूरा हाईवे खाली है, पूरा लिटरली आगे कुछ भी नहीं है। मैं क्रूज मोड पे सेट कर देता हूँ बाइक को। पिछली बार जब मैं हाजीपुर की ट्रिप कर रहा था, मुझे वॉइस ओवर देना पड़ गया जस्ट बिकॉज मेरा ये कनेक्टर जो है प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ था फ़ोन में और ऑडियो मेरे रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। लेट्स होप इस बार रिकॉर्ड हो जाए सारा कुछ। हमने मोर देन हाफ ऑफ द किलोमीटर्स कवर कर लिया है, 550 के आसपास दार्जिलिंग है पटना से, और हम लोग लगभग 300 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। तो यस, ये सुबह सुबह जो सनराइज है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। फ्लाई बाई, एक फ्लाई बाई का इशारा। आपने देखा था, मतलब फिफ्थ गियर पे मैंने को लगा मैं सिक्स्थ गियर पे हूँ, बट मैं फिफ्थ गियर पे ही पूरा थ्रॉटल दे दिया था और ये 145 पे लॉक हो गया था, मतलब फिफ्थ गियर पे 145 जाती है सीधा फ्लाई बाय। मैं ये एनकरेज नहीं कर रहा किसी को ऐसा हाई स्पीड पे राइड करने के लिए, ये बस टेस्टिंग के लिए। आगे रोड बहुत क्लियर है, तो आलम बिरयानी वाले मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम हर बार ब्रेक लेते हैं, वो है ये जो ट्रक के आगे दिख रहा है आपको हांडी सा, हम हर बार यहीं पे रुक के बिरयानी खाते हैं। ओ बहुत ही क्लोज कॉल, आपको व्यू दिखाने के चक्कर में मेरा व्यू बन जाता। हम हमेशा यहाँ पे बिरयानी खाते हैं, आलम मुरादाबादी एवं हैदराबादी चिकन बिरयानी। पिछली बार जब हम आए थे तो एक सागर करके होटल है जो लेफ्ट साइड पे पड़ता है, प्रॉब्ली अराउंड 20 किलोमीटर जहाँ पे फ्रॉम हियर, तो
हाँ वी आर स्टिल प्लानिंग कि वी विल स्टिल गो एट द सेम प्लेस. व्यू देखिए गाइस कितना ही तगड़ा व्यू है. सामने सन, लेफ्ट साइड में खेत. ऑल यू नीड इज गुड कंट्रोल. शिट नेवर सो क्लोज. ये है सागर फैमिली रेस्टोरेंट, यहीं पे हम लोग पिछली बार भी रुके थे और इस बार भी हम यहीं रुकेंगे. पिछली बार भी जब हम दार्जिलिंग आए थे तो यहीं पे हम लोग रुके थे, सागर रत्नाकर के वो छोटा सा रेस्टोरेंट है और जो पराठे आज तक अच्छे मिलते हैं. तो गर्मी हो गई है सुबह सुबह की जर्नी. ये रास्ता सीधा बागडोगरा कनेक्ट करेगा. चलिए कुछ नाश्ता कर लेते हैं और फिर आप लोगों को आगे का व्यू दिखाता हूँ. अभी अविनाश चला रहा है शशि की ड्यूक और शशि अविनाश का एडवेंचर. दोनों ने बाइक स्वैप की है. रोड बंगाल में घुसते ही काफ़ी अच्छे हो गए. राइट साइड पूरा जंगल है और बीच बीच में काफ़ी बोर्ड्स मैंने देखे, वहाँ पे लिखा है एलिफेंट क्रॉसिंग. यहाँ पे बहुत एलिफेंट्स रहते होंगे और उनका एक कोई पॉइंट है जहाँ से वो क्रॉस करते हैं. वांगडुबी वागडोगरा एयरपोर्ट 4 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 14 किलोमीटर, WB-74. ये विनाश ने जो राइडिंग की है यहाँ बंगाली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए वो वैगनर वाला भैया काफ़ी स्टेरिंग घुमा लिया था राइट साइड. ठीक है आने दे, शायद कुछ पेट्रोल का बोल रहा है, शायद उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया. मेरे तो काफ़ी ज़्यादा डंडे हैं, 4 डंडे. रोड देखिए यार कितनी प्रॉपर मार्किंग्स है, कोई लाइट शेडोइंग कम नहीं है. हम सिलीगुड़ी के अंदर एक्सप्लोर तो करेंगे नहीं, सिलीगुड़ी से हम सीधा वो डाइवर्जन लेके लेफ्ट साइड दार्जिलिंग की तरफ जाएंगे. तो यहाँ पे हम रुकते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. जितना आप लेफ्ट साइड में गाड़ी को कॉन्फिडेंटली लीन कर सकते हो उतना राइट साइड में करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. इसलिए द बेस्ट वे ऑफ कॉर्नरिंग इज ये है अविनाश. अपने स्किल्स को तो दिखा के रहेंगे. ओ रास्ते में कपड़े धो सकते हैं. ये है पावर KTM की. 483 हमने किलोमीटर्स कवर कर लिया है एंड स्टिल वी हैव सो मच ऑफ एनर्जी दैट वी कैन मनूवर द बाइक एंड यू नो कट द लीन्स एंड कॉर्नर्स. दिस इज व्हाट KTM स्पेशलिटी इज. आई मीन मतलब इट विल ऑलवेज गिव यू दैट एक्स्ट्रा एड्रेनलिन रश व्हिच यू ऑलवेज क्रेव फॉर ऑन द माउंटेन्स. बहुत सारी बाइक्स हैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल, इससे भी ज़्यादा CC की, बट दे वोंट गिव यू दैट मच ऑफ किक व्हिच दिस वन गिव्स. स्पेशली एट सो मच लोअर एंड टॉर्क. देखो इसको क्रॉस करना दूसरे बाइक के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है राइट, बट KTM के लिए इज जस्ट पीस केक. और ड्राइवर्स भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिंग और हेल्पफुल होते हैं. ड्रेसिंग तो माशाल्लाह. गाइज हम पहुंच गए हैं दार्जिलिंग का मेन मॉल रोड. ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का और आप देखिए लाइव कॉन्सर्ट म्यूज़िक. यहाँ पे लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं ये वाला कल्चर. और ये वाला तिब्बतन मार्केट है, मैं शिंदे भी जाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा. काफ़ी सस्ते हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं, आपको ज़रूर देखना चाहिए. हम
टाइगर हिल वाला व्यू लिटरली वेस्ट है, कहते हैं वहाँ पीछे कंचनजंगा दिखता है बट हमें तो दिख नहीं रहा, इट्स टोटली फॉग। कुछ अच्छा नहीं लगा यार, मतलब एवरीथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन और इट्स ऑल क्लाउडी है। यहाँ पे दुकानों पे भी ऑप्शंस नहीं है, ऑल ही सी इज दिस एंड शी इज फोर्सिंग अस टू हैव कॉफी बिकॉज कॉफी उनको बार बार गर्म करना पड़ता होगा और हम पी के उसको। बस फॉग यार, फॉग ही देखना, तो ये तो हम अपने होटल रूम से भी देख सकते थे। ठीक है यार, से देव कैसा लगा आपको ये? क्या भाई, क्या सोचा था कि क्या व्यू पॉइंट मिलने वाला है, दिखा दीजिए हमें क्या दिख रहा है। ये व्यू पॉइंट ये हमारे होटल रूम से नहीं दिख सकता था, होटल रूम छोड़ना, ये अपने छत रहा भाई, अपने छत से नहीं दिखता ये, वही तो ठंड में। सची आप क्या बना रहे हैं भाई, आपको सब कुछ आपके पास कुछ टेलीस्कोप लग रहा है, आप क्या बनाना चाह रहे हैं वहाँ? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ एक टाइम लैप्स आ जाए, और तो कुछ आ नहीं रहा है, बादल के मूवमेंट दिख रही है तो कुछ टाइम लैप्स वगैरह सोचा जा रहा है। हमें भी दीजिएगा मजा। हम लोग निकल चुके हैं होटल से और कालिंगपोंग की तरफ, जो हमारा तीस्ता रिवर की तरफ हम जा रहे हैं। आज हमारा जो स्टे होगा वो कैंप में होगा, नदी के किनारे। सीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, आप प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा और वेबसाइट पे उनका नंबर मिल जाएगा एंड देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दम। यही रिवर के साइड में हमने कैंपिंग करनी है और लगभग 2 किलोमीटर और रह गए, और वहाँ पे ही राइट साइड में थोड़ा सा वॉक करके नीचे जाना है। मैं आपको एक सेकेंड व्यू दिखाता हूँ, वो देख सकते हैं आप, वो देखिए वहाँ पे जो कैंप हो रहा है, रिवर राफ्टिंग भी हो रही है वहीं पे, उन्हीं सब कैंप में से हम किसी में रुकने वाले हैं और ये नदी के किनारे विल बी डूइंग आर नाइट का स्टे। जो लोग मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कैंप साइट के पास का व्यू, वो ये है। पीछे हमने वहाँ पे बाइक पार्क की है एंड दिस टू आर वन ऑफ आर टेंट्स विच वी गोना स्टे इन। इवनिंग लिटरली बहुत ही मज़ेदार होने वाली है बिकॉज यहाँ पे बॉनफायर है, बारबेक्यू है, सो यू गोना लिटरली लव इट। आई विश मैं इसकी लोकेशन और सारा कुछ डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दूँगा, नीचे अपने कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। एंड एनी वन हु इज कमिंग टू दार्जिलिंग, आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर यहाँ पे आएँ। मैं आप लोगों को अपने दोस्त अविनाश से भी मिलाता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट्स हिज ओपिनियन अबाउट दिस प्लेस। अविनाश, सो हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस? ऑसम मैन, ऑसम। आपको इतना एक्सपेक्टेड था कि इतना? नहीं नहीं नहीं, अभी तो आए हैं, अभी तो आए हैं, अभी तो माहौल सजना बाकी है, शाम होनी बाकी है, शाम में इसका अलग फील आएगा। देव आपको आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, अभी 3 बजे के बाद गर्मी है। आपने आपने कभी ऐसे कैंपिंग वैम्पिंग किया हुआ पहले? अच्छा, तो अभी थोड़े नदी में सेट नहाएंगे, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो हमें 2-3 घंटे तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे वो करना चाहिए, शाम में तो अलग ही माहौल होने वाला है, मजा आएगा। और कॉमन बाथरूम है, मगर बाथरूम बहुत ज़्यादा क्लीन है, इंडियन वेस्टर्न दोनों है, काफ़ी किचन भी अच्छा है उनका, डिनर और ब्रेकफास्ट। आपको लास्ट हमने कैंपिंग कब की थी, आपको याद है? लास्ट आधी कैंपिंग हुई थी हमारी, कैंपिंग हमने पौड़ी में की थी, तो पौड़ी से डिफरेंट एक्सपीरियंस है, वहाँ पे हम लोग माउंटेन हिल पे कर रहे थे, यहाँ पर जैसा आपने देखा होगा अभी वीडियो में पूरा तीस्ता रिवर है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ऊपर गुरुद्वारा मार्ग से ही इसकी ओरिजिन है। तो जो सिक्किम में आपके नॉर्थ सिक्किम में गुरुद्वारा मार्ग लेक है, उसी के ऊपर के ग्लेशियर से तीस्ता रिवर बनता है। पानी अभी ठंडा होगा? पानी तो डेफिनेटली ठंडा होगा अभी। अगर आप कभी आने का सोच रहे हैं तो बेस्ट टाइम आज से अक्टूबर से लेकर के आप फरवरी के बीच में आइए, बहुत मज़ा आएगा। और रूम कैंप के अंदर एनएफ है, स्पेस है 2 बंदों के लिए? हाँ, 2 बंदों के लिए ठीक है, मतलब छोटे वाले टेंट है सबसे मिनिमम, अगर जो केचुआ के 1500 के टेंट आते हैं वो टेंट है ये। तो यहाँ पे रेट क्या, इन्होंने टेरिफ चार्जेस किए हमें? इन्होंने 1500 किया है, थोड़ा बहुत मोल भाव किया हमने, जिससे 6000 हमारे दो, हाँ 1500 पर पर्सन है, तो हर पर्सन के ऊपर इन्होंने 133 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, तो 5500 रुपीज़ में हमने डील डन किया, बट वो डिस्काउंट के लिए मानते नहीं है, इंक्लूडेड आपका बॉन फायर, डिनर, बारबेक्यू और कल का ब्रेकफास्ट।
चेक इन टाइम 3 बजे है, हम लोग जल्दी आ गए 1-1.5 बजे के आसपास, तो इन्होंने अलाउ किया, ऐसा कोई इशू नहीं, स्टाफ अच्छा है इनका। ये जो पीछे रोड जा रही है ये गैंगटॉक की हाईवे है, इस सीधा गैंगटॉक जाएगी और जस्ट आगे आपको रैंपो मिलेगा जो कि आपका वेस्ट बंगाल और इसकी बाउंड्री है, तो यही रास्ता है। इसी का गर्मी है फिलहाल अभी, तो तभी इन्होंने चेक इन टाइम अपना 3 बजे के बाद रखा था क्योंकि थोड़ा सनसेट हो जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, पानी नो डाउट बहुत ही ठंडा है। लेकिन चलो गाइस, हम यहाँ जगह से अलविदा ले रहे हैं एंड वी आर हेडिंग बैक टू पटना। राइड काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, प्रॉब्ली अराउंड 530 किलोमीटर्स, तो हम सोच रहे हैं 12 घंटे तो लगेंगे, तो जितना जल्दी यहाँ से निकल जाए उतना सही रहेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ठंड में कवर कर लेंगे। और ब्रेकफास्ट हम कर नहीं रहे बिकॉज ब्रेकफास्ट ये लोग शायद 9-10 बजे के आसपास देंगे और तब तक हम ऑलरेडी सिलीगुड़ी क्रॉस कर चुके होंगे। रास्ता वुड बी लाइक यहाँ से सीधा जाएंगे सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बागडोगरा क्रॉस करते हुए फारबिसगंज अररिया होते सीधा मुजफ्फरपुर पटना, सुनने में बहुत पास लगता है बट इट्स ऑलरेडी वुड बी लाइक 12-13 आवर्स इंक्लूडिंग ब्रेक। निकलने की तैयारी हो रही है, सिलीगुड़ी फटाफट पहुंचना है हमें, तो चलिए वापस से मैं आपको बोर नहीं करूंगा रास्ता सेम दिखा के। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और हम लोग यहाँ पर देखो पेड़ के नीचे छुपे हुए हैं। देखो कार वाले इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाते हैं, उनको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग को यार इस बस पेड़ का सहारा है, उसमें भी सारे गीले हो गए। तो गाइस टाइम आ गया है ट्रिप को एंड करने का, मैं पहुंच गया हूं घर। हमने कवर किए है 1108 और 1110 मान लीजिए, एवरेज स्पीड आई है 29.2 मेरी बाइक की एवरेज आई है, एवरेज स्पीड इज़ 58 किलोमीटर पर आवर और हमने टोटल 19 आवर्स की ड्राइव की है, मतलब चलते हुए मैं बाइक 19 आवर्स टोटल चली है। हम सुबह के वैसे निकले थे 8 बजे के आसपास और अभी हम पहुंच रहे हैं 9:15। ठीक है, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूं और आप लोग को प्रॉमिस करता हूं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ वापस मिलेंगे।